हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय नेता का आगमन हुआ, आदरणीय अशोक वाल्मीकि जी रीवा से पधारे हुए, हमारे मध्य प्रदेश के ही साथी आदरणीय हमारे कृष्ण प्रिय मैत्री जी, मैं उनका भी इस अवसर पर स्वागत करता हूं और उन्हें भी इस स्थापना दिवस पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम जब इस अनुसूचित जाति उच्चन समाज से जुड़े थे तब से ही यो अंकुरित भी समाज सेवा का हमारे जहन में लगा और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आदरणीय जिनवाल जी के साथ काम करने का अवसर मिला और मिलता है और मिलता रहेगा। मैंने आदरणीय चंदेल साहब के साथ भी उनके सामने छोटा सा कार्यकर्ता होने के रूप में कार्य किया है। उनके बारे में यदि विस्तृत में हम जाएंगे तो शायद काफी समय लग जाए। आज हम सब जो स्थान या जो हमें सम्मान हम लोग साथियों अनुसूचित जाति उत्पीड़न समाज के साथ साथ राजनीतिक दल से भी आते हैं, राजनीतिक दलों में भी हमारे युवजन समाज के लोग हैं, वहां भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भोपाल, जिला मंत्री दतिया से भी हूं। तो हम सब अन्य राजनीतिक दलों में अन्य विचारधारा की पार्टियों में कार्य करते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम युवजन समाज के कार्यकर्ता हैं। इसलिए हमारी पहचान भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो, फलाने हो, हम कहो, डिमका हो, उसमें हो रही है। मैं सीना तान के कहता हूं किसी भी पार्टी में किसी मंच पर मैं युवजन समाज अनुसूचित जाति का कार्यकर्ता हूं, तुम्हारे साथ तुम्हारे दर्दों में यदि विचारधारा न मिली तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जीवन भर मैं युवजन समाज का काम करता रहूंगा। साथियों, जिस बालक की इज्जत या जिस परिवार के सदस्य की इज्जत मैं जानता हूं, घर में होती है उसकी बाहर भी होती है, जिसकी इज्जत घर में नहीं होती है उसकी बाहर भी नहीं होती है। यदि अनुसूचित जाति का कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य को करेगा तो किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में ईमानदारी से अपनी बात रखेगा और उनको उनकी बात मानना ही पड़ेगा। कई बार पार्टियों में मतभेद होते हैं, हम लोग जब अपनी बात रखते हैं, समाज की बात रखते हैं, समाज की पीड़ा की बात रखते हैं तो कभी मन में झिझक नहीं होती है। आदरणीय जिनवाल साहब का सानिध्य सदैव हमें प्राप्त होता है, केंद्रीय कार्यकारिणी का सानिध्य सदैव हमें प्राप्त होता है और मुझे ही क्यों, यहां बैठे प्रत्येक कार्यकर्ता को यह सानिध्य प्राप्त होता है। अन्य प्रदेशों में आप लोग कार्य कर रहे हैं, युवजन समाज की ताकत को आप भली भांति जानते हैं, तो वो सभी करीब करीब पुराने ही कार्यकर्ता हैं, पुराने ही वरिष्ठजन हैं। साथियों, हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, आज के युग में अर्थ का युग है, यदि हमें अपने संस्था को मजबूत करना है, यह मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, तो अर्थ युग में हमें सदस्यता का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम युवजन समाज के बैनर तले बहुत बड़े बड़े काम करा लेते हैं, वो करते हैं तो करना ही चाहिए, लेकिन साथियों अकेले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष या अन्य जो सक्रिय लोग उनकी दम पर हम कार्य करेंगे तो वो भी कहां तक चलेंगे हमको और हमें भी कहां तक चलाएंगे। हम सबको भले अपना खर्च कम कर लो, 1% भी यदि कम खर्च करोगे तो भी वार्षिक शुल्क जमा हो सकती है, बहुत न्यूनतम वार्षिक शुल्क है जिस स्तर के हम नेता है, जिस स्तर की ये संस्था है। इस अवसर पर बधाई के अवसर पर अन्य जन बैठे हैं,
समय ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी से चाहते हो समय ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ। अच्छा ज्यादा हो गया। इस अवसर पर हम सबको युवजन समाज परिवार के रूप में हम सब मिलते हैं और मुझे लगता है और सभी को लगता होगा आदरणीय जीनबाल जी का स्नेह और प्रेम सदैव हम सब कार्यकर्ताओं पर बना रहता है। अगले 2 महीने पहले मध्य प्रदेश में एक आरक्षित सीट है दतिया जिला की भांडर विधानसभा, जहां से अब आपका कार्यकर्ता प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं कहीं भी रहूं कितना भी कहीं जाऊं लेकिन युवजन समाज मेरे रग रग में नस नस में भरी होनी चाहिए। युवजन समाज का कार्यक्रम मैंने भांडर अनुसूचित आरक्षित विधानसभा में रखा और आदरणीय जीनबाल जी की ट्रेन लेट होने के बावजूद उस विधानसभा में जहां जीनबाल जी को 12 बजे आम सभा लेनी थी, मीटिंग लेनी थी आम जगह चौराहे पर, वहां जीनबाल जी 5 बजे पहुंचते हैं लेकिन लोगों में कहीं उत्साह की कमी नहीं आई। खचाखची लोग बैठे रहे, पूरे दिन बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे लेकिन वो बुढ़ेर बैठे रहे और जीनबाल जी को सुनने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने ट्रैक्टरों से गए। उस बीच में पूरे दिन उस विधानसभा में वहां के वरिष्ठ जन अन्य जातियों के वो भी जीनबाल जी का इंतजार करते रहे और जीनबाल जी को जब सुना तो लगा कि युवजन समाज की कोई चीज है। दिलीप जी आपने ये कार्यक्रम कराकर हम सब की आंखें खोल दी अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग।